बाबू विड्थ ऑफ बेंच या बेंच विड्थ ऑफ बेंच बोलिए, बेंच विड्थ बोलिए, एक ही ना बात हुआ, ये किस पर निर्भर करता है? जैसे हम आपका बेंच है नहीं बताए थे कि दो बात पर निर्भर करता है, बताए थे ना, नेचर ऑफ स्ट्रटा और दूसरा क्या बताए थे, डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकवेटर। ये दो पैरामीटर थे बेंच हाइट को डिटरमाइन करने के लिए। अब बेंच विड्थ को डिटरमाइन करने के लिए भी कोई ना कोई पैरामीटर होगा, इसमें भी चार पैरामीटर, हम आपको बताएंगे तीन, कितने होते हैं चार, एक इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए उसको छोड़ दिया, कितना बताएंगे आप, तीन। और मेरा बेंच पैरामीटर और बेंच एलिमेंट इन ओपन कास्ट माइनिंग का बहुत बड़ा वीडियो है 40 मिनट का, जिसको देखना वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। बेंच विड्थ जो है तीन बात पर निर्भर करता है, किसी को पूछे ना एक के आंसर देता है, वो बोलेगा सर बेंच हाइट के आधार पर हम बेंच विड्थ को निर्धारित करते हैं, नहीं और भी चीजें। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग, बेंच हाइट एक पैरामीटर क्या है, बेंच विड्थ को डिटरमाइन करने का एक पैरामीटर है बेंच हाइट। दूसरा है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज, मतलब हॉलिंग सिस्टम आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट इज योर हॉलिंग सिस्टम क्या है। हॉलिंग में क्या था, दो ही चीज हम ओपन कास्ट में इस्तेमाल करते हैं, या तो डंपर इस्तेमाल करते हैं या बेल्ट कन्वेयर इस्तेमाल करते हैं, तो उस आधार पर भी बेंच का वेट, क्योंकि डंपर चला रहे तो डंपर चलने के लिए जगह नहीं चाहिए बाबू, बेल्ट यदि इंस्टॉल करे तो बेल्ट को इंस्टॉलेशन के लिए जगह प्लस उसका मेंटेनेंस के लिए जगह चाहिए ना, तो उतना विड्थ रखना ना होगा, और इसमें मन मर्जी कर लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या बना दिया, पहले से रेगुलेशन ही बना दिया, ठीक है। अभी देखेंगे हम रेगुलेशन 105 और 106 हम बेंच विड्थ हाइट के लिए देखेंगे, बेंच विड्थ के लिए देखेंगे। और उसमें और एक चीज है, 6 में नहीं 105 में साइड अप स्लोप के बारे में वो बताएंगे बाद, ठीक है। और तीसरा रहता है टाइप एंड साइज ऑफ एक्सकावेटर, जो लोडिंग मशीन है टू बी यूज, जिसको यूज किया जाना है, टू बी यूज मतलब जिसको उपयोग किया जाना है, वो एक्सकावेटर लोडिंग मशीन का साइज कितना बड़ा है। बड़का मशीन रहेगा तो बड़का ना बेंच विड्थ रखना होगा, तब ना उसको हम वहां पे घुमाना फिर आना चलाना है तो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन बात के आधार पर हम बेंच विड्थ को निर्धारित करते हैं, बेंच हाइट, टाइप ऑफ हॉलिंग सिस्टम या टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड टाइप एंड साइज ऑफ एक्सकावेटर टू बी यूज, ठीक है। इस आधार पर हम बेंच विड्थ को निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए रेगुलेशन 105 और रेगुलेशन 106। 105 में क्या है बाबू, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, 106 में क्या है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। तो पहले हम रेगुलेशन 105 देख लेते हैं, एक ही लाइन का है रेगुलेशन 105 किसके रिगार्डिंग में देख रहे हैं, पूरा रेगुलेशन नहीं देख रहे हम अभी, हम किसके रिगार्डिंग में देख रहे हैं, रिगार्डिंग टू द विड्थ ऑफ बेंच, बेंच विड्थ के रिगार्डिंग में हम देख रहे हैं। क्या बोलता है, वीक स्ट्राटा हो चाहे कोयला हो, ठीक है, कोयला में बेंच बना रहे हो या वीक स्ट्राटा में आप बेंच बना रहे हो, तो बेंच विड्थ जो रहेगा, बेंच विड्थ को हम शॉर्ट में लिख दे बी डब्ल्यू, मतलब विड्थ ऑफ बेंच या बेंच विड्थ क्या होगा, हम बताए थे हाइट में नॉट मोर देन वर्ड लगेगा और विड्थ में नॉट लेस देन उससे कम नहीं होना चाहिए। क्या बोलता मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, बेंच विड्थ नॉट लेस देन क्या रहेगा, बेंच हाइट। कोई दिक्कत है बाबू, चाहे वो विक स्टाटा में हो कोयला में हो, रेगुलेशन 105 मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग एक ही बात बोलता है कि बेंच विड्थ बीडब्ल्यू मीन्स बेंच विड्थ नॉट लेस देन बेंच हाइट, बीएच मतलब बेंच हाइट, इतना नहीं याद रखने यार, बीडब्ल्यू नॉट लेस देन बीएच, बेंच विड्थ नॉट लेस देन बेंच हाइट इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग वेदर इट इज वीक स्ट्राटा आर कोल, खत्म हो गई। अब रेगुलेशन 106 देखेंगे, एक मिनट रुक जाती है, इसको मिटा देते सबको। देखो बाबू रेगुलेशन 106 मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, और किस रिगार्डिंग में देख रहा, बेंच हाइट का
पिछला वीडियो हम देख रहे हैं, अब किसके रिगार्डिंग में देख रहे हैं, बेंच विड्थ के रिगार्डिंग में। यहाँ दो ठूल बात बोला, बहुत ज्यादा नहीं है, बेंच विड्थ के बारे में दो बात बोला हम आपको, बताया कि बेंच विड्थ किन बातों पर निर्भर करता है, एक बेंच हाइट के बारे में, एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में है। तो ये मैकेनाइज्ड है, ये मैकेनाइज्ड है ना, तो बेंच हाइट पे तो निर्भर करेगा बेंच विड्थ, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्योंकि मैकेनाइज्ड है, तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी ना इसमें देखेंगे क्योंकि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है, 100 रेगुलर 106। तो क्या बोलता है, एक बार इन वीक स्ट्राटा, इन वीक स्ट्राटा, वीक स्ट्राटा में यदि आप बेंच फॉर्म कर रहे हैं, ये सब बेंच फॉर्मेशन ऑफ बेंच का आपको जो टॉपिक दिया उसके तहत चल रहा है बाबू, एक दो दिन से दो तीन वीडियो चल रहा है। इन वीक स्ट्राटा, वीक स्ट्राटा में आपका बेंच विड्थ, वीक स्ट्राटा में यहां बड़का कमा लगा दिया, बीडब्ल्यू लिख दिया, बेंच विड्थ जो होगा वो नॉट लेस देन थ्री टाइम्स द बेंच हाइट। कोई बहुत बड़ा दिक्कत है बाबू, क्या लिखा हम, ये वीक स्ट्राटा यदि है और वहां बेंच बना रहे तो बेंच विड्थ नॉट लेस देन थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ बेंच, बीएच मतलब बेंच हाइट या हाइट ऑफ बेंच, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हो गया, हम क्या बोला था दूसरी बात, एक तो बेंच हाइट के आधार पर निर्भर हो गया, पॉइंट बता दें तीन की ना बातों पर निर्भर कर। अब आता है कि टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या आपने इस्तेमाल कर रहे, तो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज करते हैं, डंपर, तो डंपर कर लेंगे कि नहीं लेंगे। और एक और चीज इसमें लिया है, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन, ठीक है। दूसरा, इन कोल एंड ओबी, कोयला में भी और ओबी में भी, इन कोल एंड ओबी बेंच विड्थ शैल नॉट बी लेस देन, यहां तीन बात बोला है और वो तीन बात में से जो ज्यादा आएगा उसको भी रखना बोलता है, विच एवर इज मोर। जैसे स्टैंड अप वेंटिलेशन में बताए थे, दो हिस्सा बताए थे हवा रखने का, एक था नॉट लेस देन 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन, और आर बोला था नॉट लेस देन 2.5 क्यूबिक मीटर पर डेलीटन आउटपुट। इन दोनों हिस्सा में से जो ज्यादा है, विच एवर इज मोर, यहां पर भी वही बात लगेगा, विच एवर इज मोर, इन दो वहां दो था, वो दोनों हिस्सा में से जो ज्यादा आएगा वो हवा आपको रखना है, यहां पर जो हम तीन पैरामीटर बताएंगे उनमें से जो ज्यादा आएगा उसको रखना है, ठीक है। कहां पे, कोयला और ओबी में मैनुअल, सॉरी मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग है, मैकेनाइज मशीन चला रहे हम, बेंच हाइट लिख दीजिए, बेंच विड्थ है, इसको करेक्ट कीजिएगा बाबू, बोलते बोलते बेंच विड्थ शैल नॉट बी लेस देन, बेंच विड्थ शैल नॉट बी लेस देन, बेंच विड्थ किससे कम नहीं होगा। पहला बात बोलता कि विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन, जो सबसे चौड़ा मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच, समझ आ रहा है ना, क्या बोल, विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर, क्या बोलता हूं, ये बात समझ आया बाबू, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच, प्लाइंग ऑन द बेंच क्या नहीं लिखा हूं मैं, आप समझ क्लियर कीजिएगा, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, एक ये हिसाब बोला। इसका क्या मतलब, मान लो मेरा एक कोई मशीन है जिसका चौड़ाई, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन, जितने मशीन है उसमें से सबसे जो चौड़ा मशीन है, मेरा एक चौड़ा मशीन है मान लो 12 मीटर का, कितना मीटर का है 12 मीटर चौड़ाई है, और उसमें और कितना जोड़ना नहीं क्या बोल रहा, 2 तो 14 मीटर हो गए, मतलब मेरा बेंच विड्थ जो होगा वो 14 मीटर से कम नहीं होगा। एक मैं एग्जांपल लिया हूं, ठीक है, क्या बोलता है, बेंच विड्थ शैल नॉट बी लेस देन विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर, आर बोलता है या, ये तो एक हिसाब हुआ। दूसरा हिसाब क्या बोलता, इफ डंपर्स प्लाई ऑन द बेंच विड्थ शैल नॉट बी लेस देन 3
थ्री टाइम्स द विड्थ ऑफ डंपर। समझ आए बाबू? ये हमारा जो 60 टन वाला डंपर होता है ना, मोटा मोटी 5 मीटर चौड़ा रहता है। मोटा मोटी कितना रहता है? 5 मीटर चौड़ा। हाल रोड के लिए अलग है बाबू, हाल रोड का चौड़ाई अलग है। ख्याल रखिएगा, हम बताएंगे हाल रोड वाले में। ये बेंच विड्थ की बात चल रही, बेंच विड्थ यदि डंपर यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं हॉलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इफ डंपर्स आर प्लाइंग ऑन द बेंच, तब बेंच विड्थ तो जो रहेगा वो डंपर की चौड़ाई से, विड्थ ऑफ डंपर का 3 गुना रहेगा। मान लो मेरा 60 टन का डंपर है, 5 मीटर चौड़ा है, तो कितना रखेंगे हम? 15 मीटर चौड़ा रखेंगे क्या? बेंच को चौड़ा रखेंगे 15 मीटर, बेंच विड्थ रहेगा 15 मीटर। ठीक है, ये बोला। आर बोलता, आर थर्ड क्या बोलता? बेंच हाइट। अरे बाबू, ये जो सेल नॉट बी लेस देन लगा, ये सबके पहले लगा है। मतलब बेंच विड्थ सेल नॉट बी लेस देन द विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर। ये जो यहां से यहां तक बताती है सब पॉइंट के लिए, बेंच विड्थ सेल नॉट बी लेस देन द सेल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ डंपर, बेंच विड्थ सेल नॉट बी लेस देन द बेंच हाइट। ये वाला सबके लिए है। मतलब बेंच विड्थ जो होगा बेंच हाइट से कम नहीं होगा, बेंच हाइट से कम नहीं होगा। अब नीचे में क्या होता है? विच एवर इज मोर, इन तीनों हिसाब में, विच एवर इज मोर, इन तीनों हिसाब में जो ज्यादा आएगा वो आपका बेंच विड्थ रहेगा। मान लो हम उदाहरण के लिए लेते हैं, बेंच हाइट मेरा 10 मीटर है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वैसा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, बेंच हाइट 10 मीटर है, डंपर मेरा 60 टन है, 5 मीटर चौड़ा रहता मोटा मोटी, तो 15 मीटर आ गया। तो इस केस में निकलेगा, मैं अलग से बता दूं, ये एक नंबर वाली है। मान लो ये मेरा 12 मीटर वाइडेस्ट मशीन का विड्थ था 12 मीटर, तो उसमें 2 मीटर जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 14 मीटर। पहले केस से मेरा आया 14, दूसरे केस से कितना आ रहा है? 5 मीटर वाला डंपर है तो 3 टाइम्स डंपर का चौड़ाई, डंपर की चौड़ाई 60 टन वाले का 5 मीटर, तो 15 मीटर आ गया। और तीसरे हिसाब में क्या बोला? बेंच हाइट मेरा 10 मीटर ही है। ठीक है, अब इन तीनों में से जो ज्यादा आएगा, कौन सा ज्यादा? 15 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा बेंच विड्थ तो हो जाएगा, मेरा बेंच विड्थ इस केस में, ये जो मैंने पर्टिकुलर डाटा लिया वहां पर बेंच विड्थ कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बेंच विड्थ सेल नॉट बी लेस देन द विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर, या डंपर यदि हम चला रहे हैं बेंच पर तो डंपर की चौड़ाई का 3 गुना, या फिर जो आपने बेंच हाइट रखा उससे कम आपका बेंच विड्थ नहीं होगा। इतना ही बोला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेते हैं।